हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं अपने टेरिस से तोड़ रही हूँ हरे लहसुन के पत्ते। इसके साथ ही साथ मैं तोड़ने वाली हूँ हरी धनिया के पत्ते भी, जिससे आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए तोड़ती हूँ मैं धनिया के पत्ते भी, और मेरी ही टेरिस में लगे हुए हैं ये देखिए कितने बढ़िया शानदार टमाटोज हुए हैं। तो ये देखिए पके टमाटर हैं, तो मैं इन्हें भी तोड़ लेती हूँ। और गोभी को मैंने देखिए पीसेज में काट लिया है, टमाटर को भी मैंने पीसेज में काट लिया है। इसके साथ ही जो मैं टेरिस से लाई थी लहसुन और धनिया के पत्ते, उनको भी काट लिया है। और ये मैंने चार पांच आलूओं को बॉईल कर लिया है, और साथ ही साथ ये देखिए स्प्रिंग अनियन भी है, तैयार हो गई है, क्योंकि मेरे घर में रखे रखे ये प्याज जम आई थी, तो मैं इसको सब्ज़ी में डालूँगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, और गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारे तड़का की सामग्री। तो तड़के के लिए पहले मैं डालूंगी इसमें जीरा एक चम्मच के लगभग। अब हमारा जीरा चटकने लगा है, तो मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़े से एक चम्मच के लगभग मेथी दाना और आधी चम्मच हींग का। और सारे मसाले को तो भूनने के बाद इसमें ऐड करती हूँ कटे हुए हमारे सिंगड़े। मसालों को बढ़िया से मिला लेती हूँ, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे गोभी। अब मसाला हमारी गोभी बढ़िया से पकने लगी है, इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सभी सामग्रियों को मिला लेते हैं। कटे हुए टमाटर भी डाल देते हैं, और डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम खाने का टेस्ट नमक। बिना नमक के तो किसी खाने का टेस्ट आता ही नहीं है। अब इसमें मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक ही चम्मच के लगभग जो हमारी रेड चिली पाउडर है वो डाला है, और थोड़ा सा इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना ना पसंद करते हो तो इसमें चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं। तो अब सारे सामग्रियों को डाल के हमने थोड़ी देर पकाया है, लगभग 10 मिनट पक जाने के बाद अब इसमें ऐड करने वाली हूँ हमारे आलू, जिसे कि मैंने तोड़ के मैश कर लिया है, और अच्छे से इन्हें मिला लेती हूँ। ये हमारी फ्रेंड्स इंस्टेंट सब्ज़ी तैयार होने वाली है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है बिना किसी झंझट के। तो देखिए सब्ज़ी हमारी अब बॉयल होने लगी है, फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई ही रखूँगी। तो अब इस स्टेज पर इसमें डालती हूँ मैं गर्म मसाले। बस देर किस बात की है, देखिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार है। और अब मैं इसमें लास्ट में डालती हूँ हमारे कटे हुए हरे धनिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना।